नमस्कार निर्भय जी, जी नमस्कार। आभारी हूँ आपने आमंत्रित किया। आज हम बात कर रहे हैं संवाद कार्यक्रम में हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन की अध्यक्षा कवित्री लेखिका संस्मरणकार डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जी के साथ। नीदरलैंड वासी हैं, तो ये जो भारतवंशी जो हैं और प्रवासी जी, तो दोनों के बीच का जो अंतर खासकर हम लोग बहुत नहीं समझ पाते हैं, तो कृपया बताएं उसके बारे में। सबसे पहले तो अपने सभी श्रोताओं को, मित्रों को और समान धर्मा ईमानदार शुभचिंतकों को कि इन सारे जिन लहक ने जो परिचर्चा शुरू की है, बहुत से ऐसे छूटे हुए मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए, उसी श्रृंखला में इसमें मैं आप लोगों के सम्मुख हूँ और आभारी हूँ। निर्भय जी ने जो सवाल रखा है, उस आजकल प्रवासी शब्द और प्रवासी साहित्य बहुत चर्चा में है। सरकारी तौर पर भी प्रवासी दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को, जिसकी शुरुआत 2004 से या उससे पहले सर्वे वगैरह लक्ष्मण सिंघवी जी और जेसी शर्मा जी कर रहे थे। इसके साथ साथ साहित्य में प्रवासी शब्द कब आया, इस पर हमें विचार करना चाहिए। जब 1864 से लेकर 1814 से लेकर के 1916 तक भारतीय किसान मजदूर, डच कॉलोनाइजर, ब्रिटिश कॉलोनाइजर और फ्रेंच कॉलोनाइजर्स के द्वारा शर्तबंदी के तहत, माने भारत के ब्रिटिशर्स डच और फ्रेंच कॉलोनाइजर्स को के साथ एक अनुबंध बनाते थे और उस अनुबंध के तहत किसान और मजदूरों को विश्व के देश और द्वीपों में ले जाया गया, और अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय देशों में, माने उनकी धरती भी भारत के समान चरित्र की धरती है, उन देशों में ले जाया गया किसान मजदूरों को। और वो देख रहे थे ब्रिटिशर्स की भारत की धरती पर किसान आत्मनिर्भर हैं, वो अपने आप खेती करते हैं, अपने आप उनके घर का संचालन होता है, पानी वगैरह की सब व्यवस्था वो खुद ही कर लेते हैं, माने किसी तरह से भारत का किसान मजदूर सरकार या किसी पर निर्भर नहीं है। तो उनको ये लगा कि जो फिजी के द्वीप हैं और जो कैरेबियाई देशों के द्वीप हैं, उन द्वीपों को हम संवर्धित कर सकते हैं इनकी मेहनत मजदूरी के द्वारा। इसलिए इन लोगों ने अनुबंध बनाया फ्रेंच कॉलोनाइजर के द्वारा फ्रेंच लोगों के साथ, और यही कारण है कि मॉरिशस में फ्रेंच कॉलोनाइजर के द्वारा किसान मजदूर ले जाए गए और आज भी वहां की भाषा फ्रेंच है। डच कॉलोनाइजर के द्वारा जो ले जाए गए, उनको गयाना ले जाया गया और सुरिनाम ले जाया गया। गयाना शब्द का अर्थ होता है पानी, और ये तीन राष्ट्र हैं, फ्रेंच गयाना, ब्रिटिश गयाना और डच गयाना। जो डच गयाना है वो सुरिनाम है, और जो ब्रिटिश गयाना है वो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के द्वारा किसान मजदूर ले जाए गए, उसको वो ब्रिटिश गयाना कहलाए, और जो फ्रेंच गयाना है वो फ्रेंच कॉलोनाइजर्स के द्वारा ले जाए गए। ब्रिटिशर्स के द्वारा ट्रिनिदाद और टोबैको में भी हमारे किसान मजदूर ले जाए गए 1834 से 1916 के बीच में। फिर 1916 में जब गांधी जी की वापसी हुई, तो उन्होंने कांग्रेस के और सीनियर लोगों के साथ बैठक की, और क्योंकि गांधी जी देख चुके थे साउथ अफ्रीका में और बाकी जगहों पर कि किस तरह से किसान और मजदूरों का, भारतीयों का शोषण होता है, और उन्होंने निर्णय लिया कि अब भारतवर्ष से भारतीयों का, हिंदुस्तानियों का कोई व्यापार नहीं होगा, किसी किसान मजदूर को नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद भारतवर्ष में जो लेखक समुदाय था, जो प्रबुद्ध समुदाय था, उसने
इन प्रवासियों की पीड़ा समझी और इस पर लेखन शुरू हुआ। 1922 में सबसे पहले मर्यादा पत्रिका में बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने प्रवासी शब्द का इस्तेमाल किया और वही इस शब्द के, कहा जाए इस ऐतिहासिक शब्द के जनक हैं। और 1926 में उन्होंने चांद पत्रिका निकाली, उसका भी प्रवासी विशेषांक निकाला और उसमें उन्होंने जो सहा है भारतीय किसानों, मजदूरों और विशेषकर स्त्रियों ने, क्योंकि स्त्रियों की संख्या कम होती थी इसलिए एक पुरुष के साथ कई स्त्रियों की व्यवस्था होती थी, और इसके साथ साथ ये जो कॉलोनाइजर थे ये अपने लिए सुंदर स्त्रियों को रख लेते थे और उसके बाद में वो स्त्रियों का विभाजन समुदायों में करते थे, चार चार पांच पांच दस दस पुरुषों के बीच में। ये सब संतरास देखा गया और उसको लेके बहुत सी कविताएं लिखी गईं, इन मर्यादा, चांद, सरस्वती, इन पत्रिकाओं के विशेषांक में। उस समय ये किसान मजदूर प्रवासी थे और उन पर बनारसीदास चतुर्वेदी और उस समय के अन्य साहित्यकार प्रेमचंद जी ने शूद्रा कहानी लिखी और उसमें मॉरिशस में जो संघर्ष है उस संघर्ष का वर्णन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारे के सारे किसान और मजदूर एग्रीमेंट के तहत गए थे और इसी एग्रीमेंट का, अंग्रेजी का अपभ्रंश रूप गिरबिटिया है, क्योंकि हमारे किसान मजदूर एग्रीमेंट नहीं बोल पाते थे, वो खुद को, खुद का परिचय गिरबिटिया के रूप में करते थे। और स्थिति यह हुई निर्भय जी की, आज भी उन्हें गिरबिटिया कहा जा रहा है। ये बहुत भारतीयों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, विदेश मंत्रालय के भी जो आयोजन होते हैं और विशेषकर साहित्यकारों के द्वारा जो भारत प्रवासी साहित्यकारों के प्रवर्तक हैं इस समय, वो उन्हें भी अभी गिरमिटिया ही कहते हैं। मैंने जब अभी मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन 11वां हुआ था तो मंच पर सुषमा स्वराज जी थी और मैंने ये बात कही कि ये भारतवंशियों की भूमि पर हो रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन और मेरा ये अनुरोध है कि इन्हें गिरमिटिया ना कहा जाए, क्योंकि प्रवासी दिवस के दिन जो मुख्य अतिथि होता है वो भारतवंशी होता है और वो या तो कहीं का गवर्नर है या कहीं का प्रधानमंत्री है या कहीं का राष्ट्रपति है। और अब भारतवंशी बहुल देशों में जिस तरह से भारतीयों का प्रभुत्व और व्यक्तित्व उन्नत स्तर पर अपने देश में स्थापित है, वैसे ही भारतवंशियों का अस्तित्व और व्यक्तित्व विदेश में स्थापित है, इसलिए उनको अब गिरमिटिया कहना, उनके इतिहास को फिर से कहना, वो बहुत 100 साल 150 साल पुरानी बात हो गई। और अगर देखा जाए तो हम लोग, हम भारतीयों में से भी कितने ही लोग, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, हम सब लोग गांव से जुड़े हुए हैं और अपने विकास का इतिहास हम लोग के साथ है, लेकिन हम उस अतीत को याद न करके वर्तमान में जो हमारी शक्ति है, जो व्यक्तित्व है, उसके आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन होना चाहिए। इसलिए इस गिरमिटिया शब्द को छोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी निर्भय जी ऐतिहासिक भूल ये हो रही है कि जो लोग एग्रीमेंट के तहत गए, मॉरिशस और फिजी, वो एग्रीमेंट के तहत गए थे, वो गिरमिटिया हैं, लेकिन जो पश्चिमी देशों में गए, कैरेबियाई देशों में गए, फ्रेंच गयाना, ब्रिटिश गयाना, ट्रिनिडाद और सूरीनाम और साउथ अफ्रीका के देशों में और अन्य देशों में भी, क्योंकि अगर हम सेंट लूसिया को देखें, वेनेजुएला को देखें, तो वहां भी इनके पूर्वज मिल जाते हैं। पिछले दिनों 4 साल पहले मैं क्रूज कर रही थी, उस क्रूज में गयाना के एक व्यक्ति 82 साल के थे और वो उसमें क्रूज में ट्रेवल कर रहे थे, वो जहाज से कहीं उतरते नहीं थे, जहाज में ही रहते थे। तो मैं भी जब एक दिन बाहर नहीं गई, रुकी, तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज भारत से आए थे और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कहते कि वो चूंकि पाल वाले जहाज से आए थे तो उन्होंने क्या दुख उठाया, तो जब मैं रिटायर हो गया, कुछ पूंजी इकट्ठा कर ली और उन्होंने बताया कि गयाना में मैं लक्ष्मी नाम से एक सिनेमा हॉल चलाता और उसमें भारतीय फिल्में दिखाई जाती थी और भारतीय फिल्में
निर्भय जी, ये जो डच कॉलोनाइजर थे, ब्लैक एंड व्हाइट जो फिल्में राजन कुमार और राज कपूर वगैरह की थी, मदर इंडिया वगैरह, ये फिल्में ये लोग ले जाते थे उन लोग को दिखाने के लिए, किसान मजदूरों के मनोरंजन के लिए, उनको अपने अनुसार बनाए रखने के लिए। और वो लोग देखते समय फिल्में वैसे ही सिक्के फेंकते थे, जैसे कि हम लोगों के यहाँ गांव में नाटक वगैरह कुछ होता है तो उल्लसित होके फणेश्वरनाथ रेणु की रचनाओं में जो देखने को मिलता है, और हम लोगों ने गांव में ये खुद भी देखा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग जो गयाना त्रिनिदाद इन देशों में गए, ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत गए हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल पाते थे किसान मजदूर, तो अपने को कंत्राकी कहते थे। इसीलिए मैंने अपना एक कहानी संग्रह मेरा आया है जिसका नाम हमने रखा है कंत्राकी बागान, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये बागान में थे। इसमें 24 कहानियां हैं, और इस तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए कि पूरे विश्व में भारतवंशियों की संख्या करोड़ों में है, और इनके द्वारा ही आज हिंदी की जो स्थिति तीसरे नंबर पर बनी हुई है, ये इन लोगों की वजह से बनी है, क्योंकि इन भारतवंशियों के द्वारा हिंदी भाषा परिवार की बोलियों की भाषा है, और इसी में ये अपनी संस्कृति को, अपने जीवन को, भारतीयता को अभी भी वैसे ही बचा के रखे हुए हैं विदेश में रहने के बावजूद। तो ये भारतवंशी दो रूपों में विभाजित हैं, एक कंत्राकी के तहत गए और दूसरे गिरमिटिया के तहत गए। ये इनके विदेश ले जाए जाने का तरीका था इनको, इसलिए सभी को गिरमिटिया नहीं कहा जा सकता, और अब तो किसी को भी गिरमिटिया नहीं कहा जाना चाहिए। इसके साथ साथ अब तक ये जो बनारसी दास चतुर्वेदी ने जिनके लिए प्रवासी शब्द इस्तेमाल किया, वो उस समय प्रवासी थे, लेकिन आज उनकी 5 पीढ़ियां आगे आ गई हैं, इसलिए उन 5 पीढ़ियों को हम प्रवासी साहित्यकार न कहके भारतवंशी साहित्यकार कहना जरूरी होगा। लेकिन इसमें ऐतिहासिक गलती क्या हो रही है कि जो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने इस्तेमाल किया था प्रवासी शब्द, अभिमन्यु वनजी या मॉरिशस के जो साहित्यकार हैं उनके लिए भी अभी प्रवासी शब्द ही इस्तेमाल हो रहा है। अभिमन्यु वनजी को हमेशा प्रवासी साहित्यकार कहा गया, मॉरिशस के साहित्यकारों को प्रवासी साहित्यकार गया, इस भेद को नहीं बता सके कि अब वो प्रवासी साहित्यकार जो हैं वो भारतवंशी साहित्यकार हो गए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बनारसी दास चतुर्वेदी जी के द्वारा स्थापित उस प्रवासी शब्द को ही लेकर आज चला जा रहा है, जबकि उसे दो दृष्टि से देखने की जरूरत है। जो अभी हम जैसे लोग जिन्होंने शिक्षा दीक्षा भारतवर्ष में पाई, भारतवर्ष में उनका जन्म हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से वो विदेशों में बसे हुए हैं, वो प्रवास पर हैं, और उनका अपने मातृभूमि से, अपने देश से वैसा ही नाता रिश्ता बना हुआ है। तो हम लोग प्रवासी साहित्यकार हैं और वो भारतवंशी साहित्यकार हैं, और वो भारतवंशी साहित्यकारों का जो साहित्य है उसमें दूसरे देशों की जो संस्कृति है, जिसके साथ उनका संघर्ष है, उसका भी वर्णन है, और उस संघर्ष को हमने देखा। क्योंकि निर्भय जी, मैं पिछले 20 सालों से भारतवंशी बहुल देशों में घूम रही हूँ और शोध भी कर रही हूँ, और मुझे आश्चर्य होता था और आश्चर्य हुआ कि जो जो संस्कृति सूरीनाम के घरों में है, परिवारों में है, वही संस्कृति 10,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर दूर मॉरिशस के घरों में भी है, परिवारों में, जबकि वो लोग कभी नहीं आपस में मिले। 20 किलोमीटर फिजी के द्वीप, जो बहुत जो 20,000 किलोमीटर से भी अधिक दूर हैं, लेकिन वो लोग कभी आपस में नहीं मिले, लेकिन पीढ़ियों से उनकी जीवन की संस्कृति एक जैसी है। वैसे ही घर का अहाता है, उसमें जो सनातनी हैं और हिंदू हिंदुस्तानियों में, भारतवंशियों में सनातनियों और आर्य समाजियों का बहुत ही कहा जाए सघन विभाजन है, उसका वो पालन करते हैं, और इस तरह से है कि सनातनी अपनी बेटी का विवाह सनातनी में ही करेगा, आर्य समाजी में नहीं, और आर्य समाजी जो है अपने उसमें ही करेगा। तो ये
तो आर्य समाजियों के यहाँ जो हवन यज्ञ होता है उसका पूरा पालन होता है, सनातनियों के यहाँ जो झंडी गड़ी रहती है अपने भारत के घरों में नहीं मिलेगी, वो सफेद झंडी जो कि शिव भगवान की, लाल झंडी हनुमान जी की, पीली झंडी गणेश जी की, ये झंडियां फिजी, मॉरिशस, गयाना, सुरिनाम इन सारे देशों में गड़ी हुई मुझको दिखाई दी। तुलसी का चौरा, वैसे ही पूजा होना, वैसे ही तीन तीन दिनों तक विवाह के जो आयोजन जैसे हम लोग के गांव में होते थे अभी भी इन देशों में हो रहे हैं। ये संत साहित्य की क्या भूमिका है जी, संत साहित्य की क्या भूमिका है इनको एकजुट रखने में व सामाजिक संस्कृति को बनाए रखने में? बहुत जबरदस्त भूमिका है। और आप देखिए कि जो भारतवंशी बहुल देशों में, जब मैं भारतवंशी बहुल देश कहती हूँ तो मैं उनके नामों से बचना चाहती हूँ बार बार दोहराने से, जो मैं शुरू में कह चुकी हूँ, संतों का साहित्य का ही इतना प्राबल्य है, प्रभुत्व है कि हिंदी भाषा परिवार की बोलियां बची हुई हैं, भारतीय संस्कृति बची हुई है, आपस में प्रेम और भाईचारा बचा हुआ है। मैंने एक किताब लिखी है, अंग्रेजी में है, कबीरा वाली ट्रेडिशन इंडिया टू सुरिनाम। तो सुरिनाम और नीदरलैंड देश में भी कबीर पंथियों के संगठन हैं, और इस यहाँ पर कबीर पंथी अध्यक्ष हैं अपने विवेक दास जी का समय समय पर दौरा लगता रहता है, नीदरलैंड भी, सुरिनाम भी, अमेरिका भी और बाकी देशों में भी। तो इन कबीर पंथियों के मठ नहीं है, संगठन है, मंदिर है, उनका चौका है, वहां पूजा होती है और निर्गुण गाए जाते हैं। मुझे भी कई अनुष्ठान में बुलाया गया और हम गए। और इतना ही नहीं, जो कर्मकांड को लेकर के कबीर पंथियों में जो विभाजन है वो यहाँ के समुदायों में भी दिखाई देता है। उसी तरह से जो मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में तुलसीदास की रामचरितमानस और उसके गीत होते होते रहते हैं। इवन गुरु नानक जी का और बाकी बौद्ध धर्मावलंबी भी लोग हैं। तो जितने संतों का जो साहित्य है और संतों की जो जीवन शैली है, अगर साहित्य लोगों को बहुत विपुल मात्रा में नहीं भी मिल पाता है तो जो भी दोहे और चौपाई, भजन कीर्तन याद है, उनका अपने अपने स्थानों पर इन संगठनों ने एक एक मंदिर, एक एक ठिया ऐसा बनाया है जहां सब एकत्रित होते हैं। शनिवार और इतवार के दिन पूरा परिवार पहुंचता है और वो दिन भर रहता है अपने परिवार के साथ और सारे आयोजन में वो शामिल रहता है। तो इस तरह से कहा जाए कि भारत से बाहर भारतीय संस्कृति को और हिंदी भाषा परिवार को बचाए रखने में इन हिंदुस्तानियों का, भारतवंशियों की बहुत बड़ी भूमिका है। और वो अभी भी भारत के साथ वैसा ही अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि वो हमारी मातृभूमि है और ये जो देश है इसको पितृभूमि वो कहते हैं, मानते हैं। और अपनी भाषा को जो हिंदुस्तानी जो बोलते हैं उसको वो हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं और अपनी महतारी भाषा मानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक निष्ठा और ईमानदारी और समर्पण होना चाहिए, वो भारतवंशी समुदाय के किसान मजदूरों की जो अग्रतर पीढ़ी विकसित हुई है, जिसने विश्व के विदेशियों के बीच में रहते हुए उनकी जीविका के लिए तो उनकी पद्धति अपनाई, उनके संविधान को अपनाया, उनके अनुशासन को अपनाया, लेकिन उनके घर के भीतर, उनके मन के भीतर जो संस्कृति है वही उनके घर के भीतर है, जो पीढ़ियों से जो चला आ रहा है। मैंने बहुत से बुजुर्गों को वहां देखा, जो तीन लोग मुझे ऐसे मिले सुरिनाम में जो पीढ़ी आई थी उससे जो पैदा हुए थे, तो उन्होंने अपने पिता की और उस समय के सारे संघर्ष को देखा था। और उन लोगों की कोशिश होती थी कि जब उनका निधन या हो तो उसमें से अंत्येष्टि उसी तरह से होती है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि जहां उनका निधन हुआ वहीं उनकी समाधि बनाई जाए, कुछ समाधि का भी पक्ष लेते हैं, विशेषकर ये जो संतों का वहां बाहुल्य है। और संतों, ये सवाल आपका बहुत अच्छा था कि संतों का मॉरिशस में बहुत बड़ा कबीर पंथियों का मठ है और प्रांगण है रहने के लिए, जाने के लिए, कनाडा में है, सुरिनाम में है, नीदरलैंड में है, और आयोजन होते हैं तो उसमें मुझे बुलाया जाता है। इसीलिए मुझे ये लिखना भी पड़ा कि कबीरावली ट्रेडिशन इंडिया टू सुरिनाम एंड यूरोप।
ये बहुत ही हमने अपना देखिए 20 वर्ष निर्भय जी लगाए हैं, उस 20 वर्ष में एक उपन्यास लिखा जिसका नाम रखा छिन्नमूल, और उस उपन्यास में इन भारतवंशियों के उस संघर्ष को, जो 5 पीढ़ियों का संघर्ष रहा अपने शनै शनै विकास में, वो वर्णित है। और किसी भी भाषा में कहा जाए कि ये इस तरह का हिंदुस्तानियों पर लिखा हुआ पहला उपन्यास है। जबकि देखिए किस तरह का संघर्ष था, उस संघर्षों के बारे में कुछ बताएं। देखिए उन लोगों के साथ एक संघर्ष तो दूसरी संस्कृति के साथ, आर्थिक रूप से भी इन्हें अपने पर निर्भर होना पड़ता था, वो जो कमाते थे और उसी कमाई में से वो एक वक्त का खाना अपने मंदिर को बनाने के लिए रखते थे उस इलाके के लोग। और इस तरह से लोगों ने वहां उनकी पीढ़ियों से बनाई हुई जो संचय की हुई राशि है उससे उन्होंने मंदिर बनाए, अपने धर्म को बचाया। और वहां मंदिर जो है वो धर्म से अधिक संस्कृति का प्रतीक है, हिंदुस्तानी संस्कृति का प्रतीक है। और विदेशियों के साथ दूसरे ये कि आप देखिए विदेश में रहते हुए इनकी कोशिश होती है कि यहाँ की पढ़ाई लिखाई से वो उनके बराबर उच्च पदस्थ सेवाओं में आ जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, राजनीति में आए, थिएटर में आए, कला संस्कृति में आए, लेकिन वो अपनी संतान का विवाह अपनी ही हिंदुस्तानी कम्युनिटी में करना चाहते हैं। और ऐसे में अपनी नई पीढ़ी को रोकना और बचाए रखना, उसमें जो पहले की पीढ़ी है उसे जो त्याग करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, वो एक सांस्कृतिक संघर्ष है। और उसको उपन्यास में ही पढ़ के, क्योंकि जो अपने छिन्नमूल, जो अपने मूल से उच्छिन्न हो गए हैं और उसके बाद वो कैसे अपना जुड़ाव अनुभव करते हैं और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, क्योंकि इन देशों में सिर्फ यूरोपीय लोग भी नहीं है, नीग्रो भी हैं जिनको कि ये लोग काफर कहते हैं, और डचेस जिनको कि बकरा कहते हैं, और इन लोगों के प्रति बहुत ही नफरत का भाव है। लेकिन मजाल जो घर के बाहर आप नफरत के शब्द सुन लें, वो सिर्फ घर के भीतर और अपने समुदाय के भीतर वो बातचीत होती है, हैं? और जब ये दूसरे समुदाय के में इनकी नई पीढ़ी के बच्चे जब विवाह कर लेते हैं तो उससे इन्हें जो दुख होता है और उनकी पीढ़ी को जो दुख उठाना पड़ता है और जो कहा जाए जो छोड़ना पड़ता है, जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, वो एक संघर्ष। भारतवर्ष में इस तरह के संघर्षों को का जो वर्णन है उसे पाश्चात्य संस्कृति को आज आधुनिक संस्कृति मानकर लोग अपनाने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ उस पाश्चात्य संस्कृति की निस्सारता को ये हिंदुस्तानी समुदाय बहुत अच्छी तरह से समझता है और वो इसके लिए तैयार नहीं होता है कि वो यहाँ किसी विदेशी से, किसी यूरोपीय से या किसी नीग्रो से विवाह करे। जबकि इन देशों में यूरोपीय लोग, गोरे लोग नीग्रो लोगों के साथ संबंध बनाकर विवाह करना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं, दे लाइक द ब्लैक कलर, काला रंग और काली आंखें इन्हें पसंद हैं और ये चाहते हैं। इसलिए अगर आप नीदरलैंड के टेलीविजन को देखें तो उसमें नीग्रो लोगों की बहुत भूमिका, इतने एंकर्स हैं उसमें और कई एंकर्स हैं जो डच, गोरे और नीग्रो की कम्युनिटी से जो संतान बन के तैयार हुई है, वैसे ही उनके बाल हैं उसी तरह से, और दूसरे देशों में भी हमने देखा। तो दूसरे देशों को लेकर के जो भेद का भाव दूसरे देशों में नहीं है, नीग्रो यूरोपियंस को पसंद करते हैं, यूरोपीय नीग्रो को पसंद करते हैं, लेकिन इन्हीं समुदाय के बीच में रहने वाले हिंदुस्तानी समुदाय उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, उत्सव में जाएंगे, सरकारी नौकरियों में काम करेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन संबंध और रिश्ता वो नहीं बनाते हैं। उनको लगता है कि रिश्ते हमारे उसमें ही, हमारी अपनी कम्युनिटी में बनने चाहिए। और मुझे निर्भय जी ये बहुत सही लगता है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि जो जेनेटिक कोड है उस जेनेटिक कोड को बचाए रखने के लिए भी, और जो भारतीय संस्कृति की जो विरासत है कई हजार सालों की, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है जो किसान मजदूर अनपढ़ होते हुए भी, विदेश में रहते हुए भी, अपना सारा विकास करने के बावजूद भी अच्छी तरह से समझते हैं। जबकि हमारे भारतवर्ष की नई पीढ़ी इसे प्राचीनता या पुराने होना या अपना विकास न करना इस तरह का समझती है, और वो इसके आधुनिकता के विरोध में मानते हैं। इसी के संदर्भ में एक बात और भी कहना चाहेंगे, 2016 में
ये लखनऊ में लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था तो वहाँ गिरिराज किशोर जी से मुलाकात हुई, तो वहां मैंने कहा, उनसे भी कहा कि भाई पहला गिरमिटिया आपने गांधी जी को कहा, गांधी जी किस तरह से पहला गिरमिटिया हो सकते हैं, वो तो गए थे, जैसे हम प्रवासी, हम लोगों को प्रवासी भारतीय कहा जाएगा, हम एग्रीमेंट के तहत भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत भी नहीं है। तो उस इतने ऐतिहासिक उपन्यास के शीर्षक रखने में जो गलती हुई, और उसके बाद में साहित्यकारों ने भी उस पर आपत्ति नहीं की, और वो भी, और वह भी गांधी जी भी गए तो 1890 के आसपास जी, और उसके बाद 1916 में वो आ गए, माने वो और 19 साल, जबकि गिरमिटिया वगैरह 1834 से जा रहे हैं और 1834-40 से जा रहे हैं जी, और उसके बाद वो 1916। अब इस ऐतिहासिक जो गलती हुई शीर्षक रखने की, बड़े धुरंधर साहित्यकार सारे लोग हैं, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं की। तो मैंने वहां पे गिरिराज किशोर जी थे, मैंने उनसे ये मंच पर कहा कि ये मुझे मंच पर कहने का अवसर मिल रहा है और आप भी यहाँ पर हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। वो इतना संवेदनशील और प्रभावशाली उपन्यास है। वहां पर तुषार गांधी जी भी थे और उन्होंने भी इस बात को, फिर इसके बाद मैंने जो बड़े प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं उनसे भी मैंने ये कहा, तुमने कहा देखो पुष्पिता उन्होंने लिखा, अब इस पर क्या जरूरी है वृद्धावस्था में उनको कह के उनको क्यों चोट पहुंचाई जाए। हमने कहा कि वो तो चले जाएंगे, सभी लोग चले जाएंगे, जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उसका कुछ तो संशोधन होना चाहिए। अगर उसका एक संक्षिप्त संस्करण आ सकता है उस महत्वपूर्ण संवेदनशील उपन्यास का, तो उसके शीर्षक में भी परिवर्तन होना चाहिए। ये इसलिए भी निर्भय जी की गिरिराज जी ने क्या कहा था? गिरिराज जी ने अपना स्वीकार किया था कि हाँ उस समय लिख दिया क्योंकि बहुत ही लग रहा था ये जरूरी है। असल में उस समय तक गिरमिटिया और भारतवंशी का अंतर बहुत स्पष्ट नहीं हुआ था। ये जो विवेचन के स्तर पर जो अंतर होना चाहिए, जैसे अभी भी बहुत लोगों के सामने कंट्राकी और गिरमिटिया का अंतर नहीं मालूम है लोगों को, तो उसको समझने की जरूरत है। इवन भारतवंशी और प्रवासी के भी अंतर को बहुत लोगों को नहीं पता है। तो जब तक ये भेद नहीं पता होगा, और दूसरे आश्चर्य की बात है कि प्रवासी साहित्यकारों का जो लेखन हो रहा है पिछले 40-50 सालों से, हम 50-60 साल कह सकते हैं, और उस साहित्य के विवेचन के लिए आप देखिए कोई प्रवासी साहित्यकार नहीं। प्रवासी साहित्यकारों के साहित्य के विवेचन के लिए सभी अधिकांश भारतीय लेखक हैं, भारतीय संपादक हैं, भारतीय हिंदी साहित्य के लेखक हैं, संपादक हैं और आलोचक हैं। जब प्रवासी साहित्य लिखा जा रहा है तो उस प्रवासी साहित्य से भी तो आलोचक होने चाहिए, और उनकी जो आलोचना है वो प्रवासी साहित्य के संदर्भ में ज्यादा प्रामाणिक होगी। एक चीज क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? देखिए पैदा क्या स्थिति ये है कि प्रवासी साहित्य जो लिखा जा रहा है, कहानी और कविताएं, बहुत कम आलोचनाएं लिखी जा रही, आलोचक वर्ग से प्रवासी साहित्यकार आता ही नहीं। और दूसरी गंभीर बात ये निर्भय जी कि जो लोग किस नौकरी के तहत या किसी और कारण से विवाह हो जाए या इससे, वो जब विदेश में प्रवास करते हैं तो हिंदी भाषा उन्हें आती है, वो सोचते हैं कि अपने को अब स्थापित करने के लिए कहानियां और कविताएं लिखी जाएं। कहानियां और कविताएं लिखने का कोई निकष तो मानते नहीं। और आजकल की स्थिति ये है कि किसी भी संपादक को आप अगर किसी तरह से मुग्ध कर लें, अपने दे करके अपने वश में कर लें, तो वो आपकी रचना छाप देगा और आप कहानीकार और कवि हो जाएंगे। संपादक प्रकाशक को पैसे दे दीजिए, अपनी किताब लोग छपवा लेते हैं। यूनिवर्सिटीज को आप वो कर दीजिए तो वो आपके नाम के कॉन्फ्रेंस और गोष्ठियां कर देंगे। तो इस तरह से प्रवासी साहित्य में जिस गंभीरता से लेखन होना चाहिए वो नहीं, और उस यही कारण है कि इसमें से आलोचक नहीं पैदा हो पा रहे हैं, और आलोचकों को पैदा होने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनकी आलोचनाएं, जो साहित्य लिखा जा रहा है जैसा भी वो छप रहा है, मैंने बताया किस तरह से, उसके बाद में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, संपादक, उनके आलोचक और प्रवर्तक बने हुए, पुरस्कार और सम्मान पर सम्मान मिलता रहता है, और उससे सोचते हैं कि वो स्थापित लेखक हो गए।
अब ये सोचते हैं कि मुख्य धारा में भी रखा जाए। प्रवासी साहित्य एक अपनी धारा है, एक एक अपना विवेचन है, उसकी अपनी खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं। और अधिकतर जो प्रवासी साहित्य भारतवर्ष, जिसे नॉस्टैल्जिया भी कहा जाता है कि भारत की यादें, अपनी संस्कृति की यादें, मुझे लगता है कि संवेदना की दृष्टि से भारतवंशियों के द्वारा अपनी मातृभूमि की याद में जो लिखा गया है उसमें संवेदना की सघनता ज्यादा है, क्योंकि प्रवासी साहित्यकार तो आता जाता रहता है, लेकिन भारतवंशियों की वो उच्छिन्न हो जाने के कारण, जड़ों से अलग हो जाने के कारण उनके पास कोई वो नहीं है। और मुझे जो यहाँ से सुरिनाम से और नीदरलैंड से जो जाते हैं भारतीय, कहते हैं कि उन्होंने वापस आके, और बड़े ऊंचे पदों के अधिकारियों की मैं बात करती हूँ जो मेयर रहे हैं डेन हाग के नीदरलैंड, और दूसरे लोगों ने, उन लोगों ने कहा कि पुष्पिता हम लोग इतने उत्साह से जाते हैं भारत, अपन अपन बानी बतियाए खातिर, अपन महतारी भाषा में बतियाए खातिर हम जाइला हिंदुस्तान। मगर हुआ तो जैसे एयरपोर्ट पे टैक्सी वाला आवे है तो वो अंग्रेजी में बतिया है, और जब ओके हम अपन भाषा में बोली ला तो वो हमके गंवार समझे। वीएस नेपाल की क्या भूमिका रही? देखिए वीएस नेपाल जी तो 19 उनका जन्म त्रिनिदाद में हुआ, लेकिन 1953 से वो इंग्लैंड में ही रही, और इंग्लैंड में जो भारतीयों का समुदाय रहा है उसी के रहे, क्योंकि अब उनके लेखन में भी भारतवंशियों की जो पीड़ा है वो उस रूप में व्यक्त नहीं हुई है, क्योंकि उनका जीवन, उन्होंने त्रिनिदाद में रहने वाले भारतवंशियों के कष्ट को नहीं देखा है, और जो इंग्लैंड में रह रहे लोग हैं वो बहुत एक आहत सभ्यता, तो उनका उपन्यास बहुत ही चर्चित है, वुंडेड सिविलाइजेशन, ए वुंडेड सिविलाइजेशन। हाँ, तो वो उसी उसी के आधार पर उनको प्रतिष्ठा भी कुछ उनकी कृतियों के आधार पर मिली, लेकिन जो सीधा संघर्ष होता है वो सीधा संघर्ष मुझे नहीं लगता कि नायपाल जी ने झेला, क्योंकि वो जो व्यथा है, जो वेदना है, वो उस रूप में व्यक्त नहीं हुई। लेकिन आप तो जानते हैं कि ये विश्व सुंदरियों के का जो सम्मान दिया जाना होता है, मिस वर्ल्ड का चुनना और नोबेल प्राइज का मिलना, ये सब एक राजनीतिक समीकरण भी है जो तय कर लेते हैं कि किस वर्ष किस देश को देना है हम, और उस देश से फिर उस व्यक्ति का उस तरह से चयन किया जाता है। तो ये सारी, और अब तो सम्मान और पुरस्कार किसकी कितनी पहुंच है और कौन कितना सफल है रणनीति और राजनीति करने में, इसको सभी लोग समझते हैं। और प्रवासी साहित्य जो अभी लिखा जा रहा है, तो क्या उसमें ऐसा लेखन नहीं है कि उसके लिए हम लॉबिंग ही करें? अगर लॉबिंग से ही पुरस्कार मिलता है नोबेल पुरस्कार जैसा, तो प्रवासी साहित्य, देखिए विदेश में दूसरे देशों के भी प्रवासी साहित्यकार प्रवासी लोग रह रहे हैं, जैसे कि नीदरलैंड में, यूरोप में, यूरोपीय देशों में, जर्मनी में, फ्रांस में, नीदरलैंड में, स्पेन में, इन देशों में सीरिया के, इजराइल के, अफगानिस्तान के बहुत से लोग आकर रह रहे हैं, और उनका बहुत संघर्ष है क्योंकि वो शरणार्थी के रूप में यहाँ पर रखे गए। उनके संघर्ष को लेकर अगर प्रवासी साहित्यकार, दूसरी भाषा के प्रवासी और दूसरे देश के साहित्यकार लिख रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष का साहित्यकार इस तरह के जो दूसरे मूल्य हैं, दूसरे देशों से आने वाली देश जाति और धर्म के लोगों का जो संघर्ष है उसे वो नहीं लिख रहा है। वो लिख रहा है जिसे वो जानता है और जो वो कह देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि सहजता से लिख करके भी अगर प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है तो जीवन को संघर्ष में क्यों डाला जाए। क्योंकि अगर सीरिया और इजराइल के इन लोगों के संघर्ष पर लिखना होगा, देखिए यहाँ के एक लियो फाइफर्ड, एक बहुत बड़े यहाँ के लेखक हुए, ऐसे बुद्धिस्ट हो गए हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका से जो शरणार्थी आते हैं और वो यूरोप में आके रहना चाहते हैं, तो वो किस तरह से बोट में आते हैं और इटली में आने के बाद में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वो कई महीनों बीच बीच में जाकर के वो इटली के उन सीमावर्ती जगहों पर रहे, जिससे कि उस संघर्ष को लिख सकें। और उस पर उन्होंने सुपरबा नाम से उपन्यास लिखा और उस पर उन्हें 50,000
यूरो का यहाँ की एक प्रकाशक संस्था ने सम्मानित किया। तो ये जो और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है प्रवासी भारतीयों को कि विश्व के दूसरे देशों का कि संस्कृतियों का जो संघर्ष हो रहा है उस संघर्ष के साथ कैसे जूझते हुए लिखा जाए। जैसे कि अब इन देशों में टर्की रह रहे हैं, मुरक्की रह रहे हैं, नीग्रो रह रहे हैं। आप सोचिए कि नीदरलैंड जैसे छोटे से देश में 150 देशों के लोग रहते हैं और उनकी उनकी सबकी संस्कृतियां हैं। तो ये इन्हीं सबको जो मैंने छिन्नमूल, मेरी एक कोशिश छिन्नमूल उपन्यास में यही हुई है कि एक दूसरे देश में हिंदुस्तानी कम्युनिटी का संघर्ष क्या है, क्योंकि जो हिंदुस्तानी समुदाय है उसकी भाषा भी उस स्तर पर नहीं है कि वो लिख सके। वो लिखेगा तो सरनामी में लिखेगा, और सरनामी लिखा भी है लोगों ने लेकिन वो संक्षिप्त कहानियां हैं, और सरनामी जो है वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई है और वो प्रकाशित पुस्तकों जो है वो भारत के लोगों को उसकी आदत नहीं और उनकी चर्चा नहीं हुई है। जैसे नीदरलैंड में रविंद्र बलदेव सिंह है और चांदनी, जिनका कि अभी कोरोना के दौरान निधन हो गया, उन्होंने कुछ छोटे उपन्यास लिखे हैं जिनकी चर्चा हुई। तो इस तरह से मुझे ये लगा कि मैं अपने स्तर पर, क्योंकि इसको लिखने के लिए बहुत अनुभव और बहुत संघर्ष की कहा जाए निकलने की जरूरत है, तो मैंने छिन्नमूल उपन्यास, जो एक दूसरा उपन्यास अप्रूटेड ड्रीम्स के रूप में आ रहा है जो मैं लिख रही हूं, तो ये सारी जो स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं तो कि हमें ड्रीम्स कैसे अप्रूटेड हुए, अगर वहां पर वो ये सफल है तो फिर ड्रीम्स अप्रूटेड कैसे हुए? देखिए, एक लोगों को जो सफलता है, आर्थिक रूप से संपन्न है, अच्छी सुविधाओं में रह रहे हैं, तो वो जो सपने हैं एक प्रवासी का, वो एक संवेदनशील प्रवासी का वो सपना नहीं होता। उसके सपने जो अपनी मातृभूमि से, अपने समुदाय से, अपने परिवार से, अपने देश से होती है, वो सपने उसके उच्छिन्न हुए, वो अप्रूटेड हुए, जिसकी उसे व्यथा है और उसे वो लिखता है। यहाँ देखिए, सीरिया और इसराइल और अफगानिस्तान, इन देशों से आप सोचिए कि अफगानिस्तान के लोग भी मेरे साथ बहुत अच्छे से मित्रता रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम भारत के हैं और एक डच से ज्यादा उनकी संवेदना समझते हैं। तो कुछ रेस्टोरेंट हैं इटालियन रेस्टोरेंट में, वहां वो पिज्जा वगैरह बनाते हैं, और जब हम जाते हैं तो इतने मन से पिज्जा बनाते हैं जैसा जिस तरह से भारतीय लोगों को थोड़ा तीखा होना चाहिए वो, और मेरे से उसकी क्या है कि मैं उसको सीडी और गाने हिंदुस्तानी बॉलीवुड के मैं उसे दूं, जिससे कि वो, और वो हिंदी बोलता है, हमसे वो लिख नहीं सकता लेकिन फिल्मों से उसने हिंदुस्तानी जबान सीख रखी है। तो ये जो कहा जाए कि दूसरे, अब आप इसको और वृहत रूप में देखें तो यूरोप, यूरोपीय देशों का एक अपना चरित्र है और उन यूरोपीय देशों के चरित्र के साथ लोगों का समायोजन दूसरी तरह से होता है, और एशियन देशों का अपनी तरह से। आपको आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में चीनी लोगों के साथ हम जितनी शत्रुता और विरोध भाव रखते हैं, यूरोपीय देशों में हिंदुस्तानी चीनियों के साथ भी वैसा ही मैत्री भाव रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डचेस से, यूरोपीय लोगों से ये चीन के लोग बेहतर हैं। उसका कारण क्या है कि वो एशिया का जो पूरा कॉन्टिनेंट बनता है, एशिया का जो महाद्वीप बनता है, उसके साथ एक आत्मीयता बनती है। और उससे मुझे अब ये स्पष्ट होने लगा है कि भारत से बाहर जाने के बाद हर भारतीय अपने को भारतीय कहता है, ये भूल जाता है कि वो तमिल से है कि बंगाल से है, उसका जेनेटिक कोड भारतीय है और उसकी भारतीय के रूप में पहचान होती है और वो भी अपने को भारतीय मानता है, जबकि भारत में रहने के बाद ये सारे विभाजन काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भारत किसान मजदूर जब विदेशों में जाकर पीढ़ियों से रहकर अपना घर बना सकता है, खेती बाड़ी खड़ा कर सकता है, अपना व्यवसाय खड़ा कर सकता है, आज अगर प्रवासी दिवस मनाया जाता है विदेश मंत्रालय के द्वारा, तो इसलिए कि विदेशी मुद्रा एकत्रित हो सके, विदेशी मुद्रा के प्राहुल्य के लिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और ये विदेशी मुद्रा विदेशी आके नहीं देंगे, डच, फ्रेंच और जर्मन नहीं देंगे, जो हिंदुस्तानी भारतवंशी हिंदुस्तानियों का जो व्यापार और व्यवसाय बढ़ा हुआ है उनके द्वारा
वो मुद्रा वो धनराशि भारत को सहयोग के लिए दी जाती है। और सिर्फ आज ही नहीं, जब ये गुलाम थे, माने कि जब सुरीनाम गयाना आदि देशों में हमारे हिंदुस्तानी समुदाय के लोग वहां रहते थे, और जब भारत में संकट आता था, गांधी जी नेहरू जी और भारत की स्वाधीनता को लेके जो संघर्ष था, अकाल जब होता था, तो सुरीनाम देश से, गयाना से, ट्रिनिदाद से अनाज भारत भेजा जाता था। तो ये जो मातृभूमि के प्रति जो लगाव है, वो लगाव भारतवंशियों में और किसान मजदूर में भला अगर धरती के प्रति लगाव नहीं होगा तो किसे होगा और कैसे होगा। और इसके साथ साथ मैं और एक बात कहूं कि जो लोग भारतवर्ष से यहाँ आते हैं, वो डच कंपनियों में नौकरी करते हैं, लेकिन उनकी सहायता डचस नहीं करते हैं, भारतवंशी करते हैं। कई मुझे जो प्रवासी भारतीय यहाँ पे नौकरी के तहत युवा पीढ़ी के बच्चे आते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि हमारी कार हमारे आसपास जो रहते हैं, तो एक हिंदुस्तानी को देख के वो लपक के आए, कहा भैया तू कहाँ से आए, तो तू पहली बार उनके दिखान है, तो बताया कि हाँ भैया हम अभी अभी इधर नौकरी से। कौनो तो के तकलीफ हुई तो हम क्या बताइया, हम सब्जी कहाँ से ला सके, तो सब्जी भी ला के दो तीन दिन दे देंगे। जबकि इतनी महंगाई यूरोप में है, यूरोपीय देशों का ये चरित्र है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं बनाया तो किसी के घर आप कॉफी पीने भी नहीं जा सकते, फर्स्ट यू मेक द अपॉइंटमेंट। और हिंदुस्तानी परिवार में जब भी होगा, आप जब भी चले जाए, और जैसा भारत का चरित्र कि जब पहुंचेंगे तो खाना खा पी के सब करके जाएं, ऐसा ही तुर्की परिवार में भी है, ऐसा ही मोरक्को परिवार में भी है, लेकिन यूरोपीय परिवारों में नहीं। दे आर वेरी मच मनी माइंडेड पीपल एंड दे आर एक्चुअली ट्रेडर्स, वो सिर्फ व्यापारी हैं। और व्यापारी ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, दूसरी भारतवंशी नहीं कहते हैं, ये यूरोपीय भी कहते हैं कि पुष्पिता जी ओह हम लोग सिर्फ ट्रेडर्स हैं। और इसके इसके इतने उदाहरण हम वो उन्हीं लोगों ने बताया कि आपको पता है लेडीज फर्स्ट का जो कहा जाता है वो क्यों है, कहते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो लोग पुरुषों पर भरोसा नहीं करते थे कि जो उनसे मिलने आ रहा है उसके पास कोई ना कोई हथियार होगा और वो हत्या कर सकता है, विश्वासघात कर सकता है। तो उसके साथ अगर औरत होती थी तो कहते थे कि फर्स्ट लेडीज फर्स्ट, पहले औरत तुम्हारी हमारे पास आए, हमारे उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। तो अपनी सुरक्षा के लिए ये लेडीज फर्स्ट का ये स्लोगन चला हुआ है, और अब इसको सभ्यता से जोड़ दिया गया है, जबकि इसका सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। अपने अपने किस तरह से हम बच सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं उस विश्वयुद्ध के दौरान की स्थितियां हैं। जब हमारे देखिए 1834 से 1916 हमने बताया, उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें भी हमारे किसान मजदूरों को, कितने परिवारों ने मुझे बताया कि किसान मजदूरों को सेना में भर्ती कर दिया था इन लोगों ने, क्योंकि उस वहां तो संख्या की जरूरत, और उनको कुछ हथियारों को सिखा दिया, बता दिया, और किसान मजदूर कितने लोग उसमें शहीद हो गए और चले गए। तो ये जो दर्दनाक संघर्ष है उनका, जिसकी कि अभी तक कहा जाए कि स्क्रीनिंग नहीं हुई है, इसको लेकर भी लिखा जाना चाहिए। कुछ हमने संकेत अपने उपन्यास में किए हैं, क्योंकि हमने सुरीनाम और नदरलैंड इन दोनों देशों में जो भारतवंशी हैं, हिंदुस्तानी समुदाय है, उसका जो वैल्यूज को लेकर के, नैतिकता को लेकर, संस्कृति को लेकर, इमोशंस को, संवेदनाओं को लेकर जो संघर्ष है, अब उसके उसकी मातृभूमि सुरीनाम भी है, उसकी मातृभूमि भारत भी है, और उन दोनों जगहों के साथ साथ वो किस तरह से संघर्ष करता है, लेकिन जीविका के स्तर पर, नौकरी के स्तर पर उसे यूरोप के देश में रहना पड़ रहा है, और वो वहां के संविधान। भारतवंशी के कुल कितने देश हैं? भारतवंशी बहुत 64 के आसपास हैं, और इनकी संख्या और अधिक है और ये बढ़ रही है। तो इस रूप में ठीक ठीक आंकड़ा तो मुझे हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन हमने जो काम किया उससे मुझे यहाँ तक जानकारी है। और देखिए इस इन सारी चीजों में बहुत स्पष्ट रूप से हमें अब भारतवंशी साहित्य पे देखिए, सबसे पहला काम मेरा ही है, जो हमने एक किताब लिखी है, भारतवंशी भाषा एवं संस्कृति, ये पुस्तक है, और
किताब घर से ये छपी है जिसमें भारतवंशी बहुल देशों की इस सांस्कृतिक आकर्षण के कारण और इस किताब का परिणाम यह हुआ कि जो हिंदी साहित्य ज्ञानकोश जो शंभुनाथ जी ने तैयार किया है उसका जो भारतवंशी वाला अध्याय है वो शंभुनाथ जी ने मुझसे लिखवाया और हमने उसकी विस्तृत जानकारी इन द्वीपों की संस्कृति भाषा और पत्रकारिता की जानकारी उसमें प्रदान की है। तो इस तरह से कहा जाए पहली बार साहित्य ज्ञान कोश में भी भारतवंशी साहित्य भारतवंशी समुदाय के बारे में सूचनाएं शामिल हुई हैं और जो कहा जाए इस पुस्तक का उनके लेखन में जो योगदान है उस पर भी बातचीत होनी चाहिए पूरे बृहद पैमाने पर। जी हमने देखिए उस पर सुरिनाम का जो साहित्य था कविता सुरिनाम कथा सुरिनाम ये 2003 में हमने उनकी परिवारों से रचनाएं इकट्ठा की और वो रोमन में लिखी थी जिसको हमने देवनागरी में किया और सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान जो सुरिनाम में हमारे उसमें देख रेख में कहा जाए कि हमारी मेहनत में से वो सफल हो सका तो उसी समय उन तीनों किताबों का लोकार्पण हुआ और बाद में इस काम के महत्व को देखते हुए साहित्य अकेडमी ने उसे सुरिनाम का सृजनात्मक साहित्य नाम से प्रकाशित किया। 2012 में वो किताब प्रकाशित हुई और उसमें उनके साहित्य का अभी तक तो देखिए निर्भय जी उनका साहित्य मॉरिशस का साहित्य बहुत सामने आया है लेकिन मॉरिशस के अलावा फिर फिजी का भी कुछ सामने आया लेकिन और देशों का जो साहित्य है वो अभी सामने ही नहीं आया है प्रकट ही नहीं हुआ है। सुरिनाम का साहित्य पहली बार मेरे द्वारा 2003 में प्रकाशित हुआ जो राधा कृष्ण प्रकाशन ने प्रकाशित किया था बाद में साहित्य के रूप में वो किताब। तो अंत में कुछ और आप कहना चाहती हैं तो कहें लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आलोचक पैदा होने चाहिए आलोचक बने तैयार हों जो भारतवंशी और प्रवासी साहित्य पर बेहतर लिख सके और भारतीय जो हिंदी के आलोचक हैं उन पर उनकी निर्भरता कम से कम हो ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। आलोचना के लिए तो देखिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है और विवेचन करने की क्षमता होनी भी बहुत अनिवार्य है। हमने जो अपना शोध कार्य किया था आधुनिक आलोचना के 100 वर्ष जिसमें भारतेंदु से लेकर नामवर सिंह की कविता की आलोचना की भाषा पर मैंने काम किया है इस विषय पर मेरा पहला काम है और उसके बाद अभी काम इस विषय पर नहीं हुआ है लेकिन कोई भी व्यक्ति गंभीरता से नेता भी देखिए के नाम पर तो लाहक से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे भी संवाद जारी रखेंगे तब तक के लिए।